हेलो गाइस, आज के सेशन में हम जो देख रहे हैं वो है साइलेंट लेटर। हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं, मतलब साइलेंट लेटर जो कौन कौन से होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन और लेटर्स देखेंगे कौन कौन से होंगे आज क्लियर करने वाले हैं, जो हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, रीडिंग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, हमारे समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, हमारे बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए, बेस लेवल को स्ट्रांग करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन है आपका डब्ल्यू साइलेंट, है ना। डब्ल्यू साइलेंट लेटर क्या है? एस के बाद डब्ल्यू साइलेंट होता है, एस के बाद डब्ल्यू साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, आंसर सॉर्ड। नेक्स्ट वन है आपका, फिर एक और देखेंगे इसके डब्ल्यू के एग्जाम्पल जो किस तरीके से बनेगा। आर के पहले डब्ल्यू साइलेंट होता है, आर के पहले अगर डब्ल्यू आ जाए तो वो साइलेंट रहेगा, वो शब्द साइलेंट रहेगा। कैसे रहेगा? रॉन्ग, राइट, रैप, रैपर, रिस्ट। अब यहां पे लास्ट वन है आपका एक्स बाय जेड, साइलेंट लेटर नहीं होते हैं। ओके, तो ये आपके माइंड में रखना कि कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं, कौन कौन से लेटर साइलेंट नहीं होते, है ना। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्विज है आपके लिए, ठीक है। अब एक नोट है, हमें पता है अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं, ओके। अब जिसमें से 14 जो है साइलेंट है ना, साइलेंट, और 12 जो है साइलेंट नहीं होते हैं। तो इसमें से जो लेटर है, 14 लेटर और 12 लेटर, अब मैं आपको वो क्लियर कर दूं कि 14 जो लेटर होते हैं वो साइलेंट होते हैं और 12 लेटर जो है साइलेंट नहीं होते हैं। वो मुझे आप कमेंट में बताओगे, वो लेटर कौन कौन से हैं मुझे कमेंट में बताओ, ओके। सो आंसर का वेट करूंगा आपको, इनका जवाब देना, मतलब इसका जो जवाब देना है वो कौन कौन से लेटर है जो साइलेंट होते हैं, साइलेंट नहीं होते, मुझे कमेंट में बताओ, लिख के बता दो कमेंट में। और ऐसे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट जरूर करो। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होता रहे। अब मैं आपको बता दूं, और भी ज्यादा आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे, बेसिक लेवल को स्ट्रॉन्ग करते रहे, इंग्लिश सीखते रहे और सिखाते रहें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आया और क्या बोलना है, बस इतना ही रखेंगे आज। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके लिए सच में वीडियो प्रॉफिटेबल है, लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल आप सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।